इंदौर सहकारी दुग्ध संघ की देपालपुर क्षेत्र की दुग्ध समितियों की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन गुरुवार को देपालपुर में मंडी प्रांगण परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मोती सिंह पटेल, अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ एवं विशेष अतिथि उमराव सिंह मौर्य पूर्व अध्यक्ष व राधेश्याम पटेल पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी संघ इंदौर सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर सहकारी दुग्ध संघ महाप्रबंधक क्षेत्र संचालन व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत अतिथियों द्वारा गाय माता एवं कन्या पूजन किया गया। अतिथियों का हार फूल से स्वागत करने के उपरांत प्रबंधक द्वारा देपालपुर क्षेत्र की दुग्ध समितियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटेल ने कृषक भ्रमण योजना पुनः प्रारंभ करने एवं दुग्ध संघ का बोनस शीघ्र दुग्ध समितियों को प्रदान करने की घोषणा भी की। पटेल द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन देने हेतु बजट में 150 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है उसके लिए धन्यवाद प्रेषित किया गया है। देपालपुर इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। को लेकर हम कोर्ट तक जाएंगे और आप सब लोगों का उसमें सहयोग लगेगा तो हम सहयोग लेंगे। अगर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी एक चाहे आंदोलन करना पड़े। आप लोग सहमत हैं सर इसको 100 रुपए लीटर बढ़ाने का? अगर आंदोलन करते हैं अपन तो आप सब सहमत हैं? निश्चित इस बात पर हम आज अध्यक्ष महोदय को भी कहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से कुछ करें। एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएंगे। बाकी तो एक ही सोच रहा है दुग्ध संघ का कि अपनी जो समस्या है हम हर क्षेत्र में जाके ये बैठकें करें, उनकी जो समस्या है, जो क्योंकि दूध का काम 365 दिन चलता है, दोनों टाइम चलता है, तो बहुत सारी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को सुने, मौके पे हो सके तो मौके पे निराकरण कर दे। सहकारिता में ये नियम है, ये प्रावधान है कि हमको साल में एक बार हमारे जो दुग्ध संघ से जुड़े हुए हमारे जो सदस्य उनको वार्षिक लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करना होता है। इसी कड़ी में हमारी वार्षिक साधारण सभा की बैठक 20 सितंबर को होना है। इसके पूर्व हमारे इंदौर दुग्ध संघ की एक परंपरा है कि हम अध्यक्षीय बैठक हमारे दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में करते हैं ताकि वहाँ पर हमारे रूबरू हमारे किसान भाइयों से, हमारी समितियों के सचिव से, अध्यक्ष से हो सके और उनकी जो समस्याएं उनका हम निराकरण कर सके, उनके कुछ अच्छे विचार सुझाव आए उन पर हम अमल कर सके। इसी बात को लेकर आज इंदौर दुग्ध संघ की जो देपालपुर क्षेत्र की समितियों की हमारे किसान भाइयों की एक जो आज बैठक संपन्न हुई, आज इसी कड़ी में हमारे सामने बहुत सारे हमारे सदस्यों के अच्छे सुझाव भी आए, कुछ हमारी समितियों के समस्या भी आई जो हमारे पास लिखित में भी आई है। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी समितियों की समस्याओं का भी हम निराकरण करें और जो अच्छे विचार अच्छे जो सुझाव आ रहे उनको हम अमल करें और 20 तारीख के दिन हमारी जो वार्षिक साधारण सभा होना है उसमें हम उस बात की पुष्टि कर दें और किस प्रकार से हमारी बैठक का जो लक्ष्य होता है किस प्रकार से इंदौर दुग्ध संघ से हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसी बात को लेकर आज की जो हमारी बैठक देपालपुर में संपन्न हुई। अगर हम इंदौर दुग्ध संघ की बात करें तो यहाँ लगातार संचालक मंडल चुन के आ रहा और यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, हमारे समितियों में भी चुनाव हो रहे थे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में कई वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं और अभी मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उनको 6 दुग्ध संघ टेक ओवर करने का जो सहमति बन गई है। इससे शुद्ध रूप से ये नुकसान होगा कि जहाँ चुनाव संचालक मंडल होता है तो वो किसान भाइयों की क्या समस्या है उनकी समस्या हल करने के लिए सक्षम है, उपभोक्ता भाई बहनों का ध्यान रख सकता है कि किस प्रकार से उनको अच्छा दूध मिले, अच्छे डेयरी के प्रोडक्ट मिले। अगर चुनाव नहीं होंगे तो इसका निश्चित ही नुकसान होगा। इसका परिणाम भी है कि हमारे प्रदेश के 2-3 जो दुग्ध संघ है जिसमें सागर, जबलपुर, ग्वालियर है, वहाँ वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे थे तो वो दुग्ध संघ घाटे में चले गए। इंदौर दुग्ध संघ लगातार संचालक मंडल चुन के आ रहा था, यहाँ अच्छा दूध आ रहा था, अच्छा दूध विक्रय हो रहा था, तो उसका परिणाम है कि आज की तारीख में इंदौर दुग्ध संघ 125 करोड़ के मुनाफे में, साथ ही साथ इंदौर दुग्ध संघ के माध्यम से ही हम बोनस के रूप में हमारे समितियों को वापस राशि देते हैं। 10 प्रकार की योजना इंदौर दुग्ध संघ अपने स्तर पर चलाता है, इसी का जो कारण है कि इंदौर दुग्ध संघ में आज इस कठिन परिस्थिति में भी किसान भाई जुड़े हैं और इंदौर दुग्ध संघ मुनाफे में और नेशनल डेयरी बोर्ड में जाने के बाद अगर हमारे सहकारिता से जुड़े हुए दुग्ध उत्पादक किसानों का हित होगा तो निश्चित हम सब मिलकर प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और जो उनका जो फैसला हो रहा है ये फैसला वापस लेने के लिए हम सब किसान भाइयों के साथ मिलकर लड़ेंगे और किसान भाइयों का कैसे दूध के व्यवसाय से जुड़े और कैसे उनका फायदा हो इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। आज जो इंदौर दुग्ध संघ द्वारा
जो बैठक रखी गई थी उसमें हमारे जो किसान बंधु अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, सचिवगण सब यहाँ पर पधारे और दूध संघ को कैसे लाभ का धंधा बनाया जाए इन्हीं सभी बातों को लेकर यहाँ चर्चा की गई। और एक जो विषय आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल बैठक करी है एनडीटीयू के साथ जो हमारे जो दूध संघ है, मध्य प्रदेश में दूध संघ है, इनको उनको सुप्रत किया जा रहा है, तो हम इस बात का विरोध करते हैं कि जो हमारा इंदौर दूध संघ है, भोपाल दूध संघ है, जो फायदे की संस्था है, तो हमारी मांग है कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया इसको वापस ले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।